आ रहा है, आनंद आ रहा है। और यहाँ के लोग तो स्पेशली मुझे बहुत प्यार मिलता रहता है। इंटरनेट पे जब भी मैंने गढ़वाली या कुमाऊनी गीत पोस्ट किया है तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। कुमाऊं में शादी ब्याह के समय पर एक मांगल गीत गाया जाता है, सुआ रे सुआ बड़खंडी सुआ, यानी कि इस गाने को देश भर में आवाज़ देने वाली मैथिली ठाकुर आज हल्द्वानी पहुंच चुकी हैं। मैथिली, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्द्वानी में, और जिस तरह से आपने इस गाने को एक नया आयाम दिया, क्या कहना चाहिए? मैं क्या बताऊँ, मैं स्पीचलेस हूँ। यहाँ के लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हमारे विधायक जी भी यहाँ पे मौजूद है, और क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं तो शब्द में बयान नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ आकर के। जैसे फोक सिंगर हम लोग, जैसे आप फोक हैं, गाती हैं हर स्टेट का, तो हम लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं। सेम ऐसे ही हर स्टेट में हो रहा है, लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? अब लेकिन वापस सब लोग अपनी जड़ों में आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब लोग बहुत खुश होते हैं जब भजन सुनते हैं, भजन गीत गाते हैं। और यहाँ के लोग तो स्पेशली मुझे बहुत प्यार मिलता रहता है। इंटरनेट पे जब भी मैंने गढ़वाली या कुमाऊनी गीत पोस्ट किया है तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। जो आपने गाना गाया था सुआ रे सुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी? मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि जो लोकल महिलाएं जब बैठ करके पारंपरिक गीत गाती हैं तो गढ़वाल में कैसे गाया जाता है, तो एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं अब हर भाषाओं में गीत गाऊँ, तो वहीं से मैंने सीखा। तो आज आप हल्द्वानी आई हैं, खासतौर पर कुमाऊं में, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। धन्यवाद। सुवा बड़ खंडी सुवा, जा सुवा नगरी में न्यूत दिया, तू जा सुवा नगरी में न्यूत दिया। धन्यवाद मैथिली समय देने के लिए। तो बिल्कुल, ये थी मैथिली ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से उन्होंने जो उत्तराखंड का जो फोक सॉन्ग था, जो खास तौर पर जो कल्चरल सॉन्ग है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो उन्होंने हमेशा काम किया है। और जो सुआ रे सुआ बड़खंडी सुआ, यानी कि स्वाल बधाई के दौरान जो उत्तराखंड का एक शुभ मांगल गीत है, उसको आवाज़ देकर देश और दुनिया में उस सॉन्ग को पहुंचाया है। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर देश और दुनिया में एक इंटरनेशनल गायिका के रूप में उनकी पहचान होती है, चाहे उनके दो भाई हों या मैथिली हों, तीनों की जो जोड़ी है वो वाकई कमाल की है। तो ये हल्द्वानी में आज पहुँची है मैथिली, हल्द्वानी में जो कुमाऊँ द्वार महोत्सव है उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँची हैं। तो मैथिली ने जिस तरह से बताया कि कल्चरल जो प्रोग्राम हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं, खासतौर पर जो कुमाऊँ और गढ़वाल के जो सॉन्ग्स थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं था अपने सभी कैमरा पर्सन फैजान के साथ, योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।